आजकल थोड़ा मौसम बदल रहा है, लोगों को खांसी जुकाम ये सब होना शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने किचन से क्या ले सकते हैं कि आपको खांसी जुकाम ना हो? तो उसके लिए सबसे पहले आपको काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है वो लेना है। उसका लेने का तरीका क्या है कि काली मिर्च लेना है, उसका 3 गुना 3 टाइम्स चीनी उसमें मिलाना है, और उसको अपने घर में ही मिक्सी ग्राइंडर से पाउडर कर दीजिए। उस पाउडर का 1/2 चम्मच हल्दी वाले दूध के साथ अगर आप रोज़ रात में लेते हैं तो आप देखेंगे बदलते मौसम में आपको खांसी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगा। एंड दूसरा एक आयुर्वेदिक दवा है जो हर कंपनी बनाती है, आपको हर दुकान पर मिलेगा, शीतोपलादी चूर्ण। उसमें 5 चीज़ें पड़ती हैं, पहले मिश्री, दूसरा वंश लोचन, तीसरा पिपली, चौथा इलायची और 5वां दालचीनी। तो आप अगर जितना मिश्री लेते हैं उससे आधा वंश लोचन लें, उससे आधा पिपली लें, पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी, तो आप घर में भी बना सकते हैं। ये शीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में अगर खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए सबसे सिंपल लेकिन सबसे प्रभावी अगर कोई दवा है तो शीतोपलादी दवा है। तो आपने इस सर्दियों में कुछ नहीं करना, अपने घर शीतोपलादी चूर्ण भी बनाना है और साथ में काली मिर्च और चीनी का जो पाउडर मैंने बताया उसको हल्दी के दूध के साथ लेना है, जिससे आप इस सर्दी को इंजॉय करें, बीमार ना पड़े। देखिए छोटा बच्चा बड़ा भी एक ही होगा जो डोज जो होगा? जो शीतोपलादी चूर्ण है ये छोटे बच्चों को आप 1/4 टीस्पून दें, और थोड़े बड़े 12 साल का बच्चा है तो उसको 1/2 चम्मच दें, और बड़े लोग 1 चम्मच हनी में मिला के, शहद में मिला के इसको दिन में 2 बार सेवन करेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी बच्चों को आप हनी के साथ दे सकते हैं, और साथ में यदि आपको लगता है बहुत जुकाम है, बुखार जैसा भी आ रहा है, बदन में दर्द है, वायरल इन्फेक्शन का चांसेज है, तो वहाँ पर फिर आप 3 चीज़ों को काढ़ा बना के पीजिए। उसमें काली मिर्च भी है, तुलसी माँ का पत्ता डालिए और साथ में बेल का पत्ता डालिए, बेल वही जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो इन तीनों को आप लेकर के लगभग 8-10 दाना काली मिर्च का, 5-6 पत्ता तुलसी माँ का और 1-2 पत्ता बेल का डाल करके लगभग 1/2 गिलास पानी में आप उसको उबालिए, 10 मिनट के लिए उबालिए, छान करके वो काढ़ा आप पियेंगे, हर दिन सुबह पियेंगे, तो आप देखेंगे आपको बुखार जैसा फीलिंग, आपका कमजोरी लगना, वायरल इन्फेक्शन की वजह से बार बार जुकाम खांसी होना सब बंद हो जाएगा। कितना दिन पिएगा वो? ये आप, मैं तो कहता हूँ कि जब मौसम बदलता है तो आप अगर इसको देखिए, समझदारी तब है कि जब हम बीमार ही ना पड़ें, तो बीमार नहीं पड़ना है, तो इसलिए अगर इस काढ़े को हर्बल टी के रूप में हम सब घर वालों को, छोटे बच्चों को भी दे दें थोड़ा थोड़ा करके, शहद मिला करके, क्या मैंने बोला कि काली मिर्च, तुलसी और बेल पत्ते का काढ़ा, ये पीने से जो वायरस जब होता है एनवायरनमेंट में उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप इसको हर्बल टी की तरह से बदलते मौसम में 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पीजिए, देखिए हर जन बीमार पड़ेगा लेकिन इस काढ़े को पीने वाला कभी बीमार नहीं होगा। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा MD आयुर्वेद में हूँ और प्रैक्टिशनर हूँ दिल्ली में, एंड पहले मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 16 वर्षों तक काम किया, और मेरा बस यही इच्छा है कि लोग जो है अपने किचन रेमेडीज़ को फिर से अडॉप्ट करके ये जो केमिकल मेडिसिन है इनके जंजाल से मुक्ति पाएँ। आपसे कैसे वो लोग बात कर पाएगा? देखिए मैं दिल्ली में हूँ और फॉर्चुनेटली अभी ऑनलाइन कंसल्टेशंस के माध्यम से आप मुझे टच में रह सकते हैं। मेरा नंबर है, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, 9650698505, लास्ट में 05 की जगह 06 भी लगा सकते हैं, 07 भी लगा सकते हैं, तो इन नंबर पर बात करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बात करूंगा, और जो दवा आपके घर की होगी वो आपको बताऊंगा, आपके शहर की होगी वो बताऊंगा, और कुछ दवा ऐसी होती है जो हम बनाते हैं हमको भेजना होगा तो कोरियर के माध्यम से आप तक आ जाएगी। तो अब बहुत दूरियां नहीं रह गई हैं, कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आयुर्वेद हमारा ऐसा विज्ञान है जो आपको सेहतमंद भी बनाएगा और बीमारियों से भी मुक्ति दिलाएगा। तो इसलिए मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपके साथ मिलकर करूँगा फाइट बीमारियों के साथ।